पुलिस ने एक दिन के अंदर ही मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले दो आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को पुरानी सब्जी मंडी चौक करनाल से बाइक सवार दो अज्ञात युवक शिकायतकर्ता कोमल से उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने कोमल की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना शहर करनाल में मामला दर्ज किया था। मामले की आगामी तफ्तीश सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार थाना शहर करनाल को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी अजय निवासी डबरी कला थाना कुंजपुरा व संजय निवासी नाली पार थाना कुंजपुरा करनाल को मेरठ रोड करनाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। अब पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी व छीने गए मोबाइल फोन को बरामद किया जाएगा। जहाँ चोरों के हौसले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, स्नैचिंग की वारदातें करनाल शहर में बढ़ती जा रही है, वहीं पे एक बहुत अच्छा जो प्रयास किया है, अच्छा कार्य किया है थाना SHO हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने किस तरह से 24 घंटे होने से पहले ही ये पकड़ लिया गया उन चोरों के साथ। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी, तस्वीरें हैं करनाल की, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। जो चोरों की स्नैचिंग की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं उनको लेकर एक अच्छा शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के सीवी थाना की। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, मौके पे हम चले गए थे, वहीं हमने उनसे कंप्लेंट ले ली कि FIR इसमें दर्ज है अंडर सेक्शन 379A में। तो हमने टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह असिस्टेंस लेके सारा वेरीफाई करके और आज दो आदमियों को हमने इसमें अरेस्ट किया और उन्होंने अपनी वारदात मानी है और मेरठ चौक से इनको अरेस्ट किया। अब एक दिन का रिमांड लिया जाएगा, इनसे मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद करना है। तो सर अभी बाइक इनसे बरामद नहीं हुई? नहीं, आज कल कोर्ट में पेश करेंगे, एक दिन का रिमांड लेंगे, उसके बाद बरामद। तो सर और कुछ इन्होंने क्या क्या माने, कुछ कर इन्होंने बाजार में और कुछ भी ऐसा किया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया इनका कोई रिकॉर्ड, फर्स्ट टाइमर बता रहे हैं। बाकी तो सर क्या लगता है, नशे क्या दिए? हाँ, नशे क्या, बिल्कुल बिल्कुल। दिन प्रतिदिन कहीं कहीं स्नैचिंग की वारदातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं सर। नहीं, इसके रिगार्डिंग हमने क्या किया जी, PCR एड्रेस पे जो भी मुलाजमत की कमी थी, पैदल गश्त पे बढ़ाई है साहब ने, जो भी कमी थी SP साहब ने हर एक PCR पे राइडर पे पैदल गश्त भी अब कर दिया साहब ने। तो वैसे तो हमारा काम है कि क्राइम प्रिवेंट हो, नहीं होता तो फिर डिटेक्ट हम करते हैं। सर इनको कैमरों का खौफ भी नहीं है, मेन चौक पे इन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, वो सब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, आप देख सकते हैं। जो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.